फ्लैप है आपका, इसको लेफ्ट साइड फोल्ड करना है, और जो ये कॉर्नर है इसको सेंटर लाइन पे फोल्ड करना है ऐसे, और जो ये कॉर्नर है इसको भी सेंटर लाइन पे फोल्ड करना है। अब जो फ्लैप आपने लेफ्ट साइड फोल्ड किया था उस फ्लैप को उठा के वापस राइट साइड फोल्ड करना, ये यहाँ से फोल्ड करनी है। उसके बाद इसको ओपन करना है, ऐसे उठा लेना है और यहाँ पे ऐसे थंब डाल के आगे से फिंगर से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आपकी स्क्वायरल की टेल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम स्क्वायरल के पैर बनाएंगे। पैर बनाने के लिए हम इस एज को इस लाइन पे फोल्ड करेंगे। ये लाइन यहाँ पे इधर देख पा रहे हैं आप, और ये हमने फोल्ड कर लिया। अब इस पीस को हम फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद सेम चीज़ हम इस एज को, ये जो लाइन है इस पे फोल्ड करेंगे ऐसे। अब जो हैंड्स हैं इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और इस एज को इस लाइन पे फोल्ड करेंगे। ये लाइन जो देख रहे हैं ये, अब इस पीस को हम फ्लिप करेंगे। इसके बाद हम दूसरा हैंड बनाएंगे अपने स्क्वायर का। ये फ्लैप को हम ऐसे ऊपर फोल्ड करेंगे और इस एज को, ये वाले एज को हम इस लाइन पे फोल्ड करेंगे। डन। अब हम स्क्वायरल का फेस बनाएंगे। वो बनाने के लिए हमें ये फ्लैप हम नीचे वापस फोल्ड करेंगे और हमें इस लाइन पे एक फोल्ड बनाना है। ये जो मैंने लाइन बनाई है पेंसिल से, इससे हमें ये जो ऊपर का पूरा ट्रायंगल है इसको ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड करना है, इसको ओपन करना है और इसको फोल्ड कर लेना। इसके बाद हमें इस पूरे पार्ट को इस लाइन पे फोल्ड करना ऐसे आगे की तरफ, इसको ओपन करना, फिर हमें इसको ऐसे फिंगर से ओपन करना और ये थंब को इंसर्ट करते हुए इसको पूरे पार्ट को ऐसे आगे की तरफ फोल्ड कर देना। और फिर हमें यहाँ से इसको फिर से पीछे की तरफ ओपन करना और फिर ओपन करना और फिर यहाँ पर फिंगर इंसर्ट करते हुए प्रेस करके इसको बंद कर देना। इस पर फेस बन गया। हमारी स्क्वायर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें कुछ काम बाकी है, उसके लिए हमें, आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको फिनिश करने के लिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। इसके जो हमने पैर का फोल्ड बनाया था इसको हम ओपन करेंगे जैसे फिंगर इंसर्ट करके इसको, वैली फोल्ड जो था हमारा उसको माउंटेन फोल्ड बना के
जो उठा के इसको माउंटेन फोल्ड बना के इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसको वापस नीचे फोल्ड कर देंगे। ये जो एज है, ये जो एज है इसको हमें इस एज पे फोल्ड करना। फिर इसको ओपन करना है, यहाँ थंब इंसर्ट करते हुए इसको प्रेस करते हुए इसको फोल्ड करना और इसको फिर ऐसे पूरे पार्ट को ऐसे ऊपर फोल्ड करना और फिर सेम चीज़ हमें इसके साथ करनी है। इस एज को सेंटर लाइन पे फोल्ड करना। फिर इसको ओपन कर लेना और फिर यहाँ पे ऐसे फिंगर इंसर्ट करते हुए आपको वापस बंद कर लेना। ये एक फुट आपका स्क्वायर का कंप्लीट हो गया। अब इसको भी ऐसे ही कर लें। देखिए मैंने इसके दोनों फुट कंप्लीट कर लिए। ये ऐसे नजर आते हैं एकदम एक्चुअल स्क्वायर की तरह। आपका जो ऊपर की तरफ वापस होल्ड करेंगे ओपन करेंगे फोन जो मैं पहले कह रहा हूँ इस एच को, ये वाली जो लाइन है इस पर फोल्ड करेंगे। अगर ओपन करेंगे फिर बाद जो हमने दो क्रीज बनाई है एक ये वाली और एक ये वाली दोनों को एक साथ फोल्ड करेंगे लेकिन इस पार्ट को हम फोल्ड नहीं करेंगे। दोनों को फोल्ड करते हुए हमने एक फ्लैप टाइप मिलता है इसको हम ऐसे प्रेस करके और फिर इसको हम आगे इधर फोल्ड करके उस पर उनका हैंड बन गया। उसको फ्लिप करेंगे और हम ये सेम चीज़ करिए, ये चीज़ करिए हम सेम ऐसे करिए दूसरे हैंड प्रेस करेंगे। देखिए मैंने दूसरा हाथ भी फ्लिप कर लिया इस पर का दोनों पैर हो गए हैं और टेर हो गई है फेस हो गया। ये अब इस पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप चाहे तो इससे खेल भी सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो आगे भी आप मिलती रहें इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और कोई सजेशन हो या आप कोई ओरिगैमी से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं और थैंक यू सो मच।